और टॉप स्पीड की बात करूँ तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 160 प्लस होने वाली है गाइस। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी बाइक जेपीआर। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आऊँ आरएस 200 BS6 जो न्यू कलर वाली बाइक अभी आई है। एंड और आज हम बात करेंगे इसके न्यू कलर्स के बारे में और इसके इंजन फीचर्स के बारे में और इसके अंदर आपको क्या क्या परफॉर्मेंस मिल जाती है गाइस। तो बाइक की हैंडल बार की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो हैंडल बार मिलता है फुल स्पोर्ट्स एंड शॉर्ट हैंडल मिलता है गाइस। और इंजन की बात करूँ तो जिसका इंजन है काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी स्मूथ है गाइस। क्लिच और गियर शिफ्टिंग की बात करूँ गाइस, इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी स्मूथ है एंड जिसका क्लिच है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस। A few moments later, सबसे पहले बात करते हैं बाइक्स के लुक की। तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखते गाइस, हैव लुक जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड इस बाइक के अंदर BS6 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जो पहले बाइक आती थी और जो BS6 अभी बाइक आ रही है उसके अंदर सिर्फ जो चेंजेस किए गए वो गाइस ये कलर का है। जिस जो इसके अंदर कलर आ रहा अभी वो आ रहा है वाइट कलर गाइस। और अलॉय व्हील के अंदर भी आपको वाइट कलर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और पीछे भी आपको वाइट कलर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और साइड के अंदर भी आपको यहाँ पे वाइट कलर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। लुक की बात करूँ तो सामने से आपको बाइक कुछ ऐसी दिखती है गाइस। एंड साइड लुक की बात करूँ तो साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है। एक बार इसका मैं बैकग्राउंड वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको इसका लुक का पता चल जाएगा गाइस। और जैसे कि पीछे की लुक की बात करूँ तो पीछे वाला लुक कुछ ऐसा दिखता है गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और साइड की लुक की बात करूँ तो साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है गाइस। फ्रंट लुक की बात करूँ तो फ्रंट लुक के अंदर आपको यहाँ पे एक वाइजर देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको विंड ब्लास्ट से बचाएगा। और इस वाइजर का जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छा है गाइस। जब राइडर राइड करेगा तो सामने का जो विज़न होगा वो अच्छे से क्लियर दिखेगा गाइस उसको। और साइड मिनर की बात करूँ तो साइड मिनर भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं इसके अंदर। और साइड मिनर से जो इसका लुक है काफ़ी अच्छा हो जाता है गाइस और काफ़ी स्टाइलिश लगती है ये बाइक। और यहाँ पे जो आपको DRL मिलते हैं वो LED लाइट्स के साथ में आते हैं गाइस जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अच्छा हो जाता है गाइस। और साइड पे ही आपको यहाँ पे 200 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी गाइस जो काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आती है। और यहाँ पे भी आपको वाइट कलर की जो ग्राफिक है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस नए कलर के अंदर। साइड लुक की बात तो यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक का डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा होगा, ये काफ़ी अच्छा है गाइस। और यहाँ पे भी आपको टैंक के ऊपर भी साइड के अंदर ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएंगे और जो इसकी डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी है गाइस। और यहाँ पे आपको एक लुकिंग वाइज जैसे जाली आती है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका इसकी वजह से जो इसका लुक है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी स्टाइलिश हो जाता है गाइस। और यहाँ पे आपको पीछे नए कलर के अंदर वाइट कलर का ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पे आपको मिलती है RS की ब्रांडिंग गाइस। पीछे वाला जो मरघराहट आता है टायर के ऊपर गाइस ये आता कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में जो इसका लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और जिसका कार्बन फाइबर फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छा है गाइस। और इसकी फिनिशिंग की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी है गाइस। पीछे वाला जो राइडर होने वाला है गाइस उसके लिए यहाँ पे एक ग्रिप टाइप का दिया गया गाइस। जैसे ही राइडर पीछे बैठेगा गाइस तो यहाँ से वो इसको अच्छे से पकड़ पाएगा और उसके लिए अच्छी ग्रिप बन जाएगी गाइस। और ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी मजबूत है और ग्रिप भी काफ़ी अच्छे मिलने वाली गाइस जिसके अंदर। आपको हेडलैम्प की बात करूँ गाइस तो इसके अंदर आपको जो हेडलैम्प मिलता है वो LED प्रोजेक्टर मिलता है गाइस। और इसके अंदर आपको दो हेडलाइट्स मिल जाती है। हेडलाइट्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे LED DRL देखने के लिए मिल जाएगा गाइस लेफ्ट एंड राइट के अंदर। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इसके इंडिकेटर्स है वो आपको LED देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। और इनकी लुकिंग है काफ़ी अच्छी है। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है गाइस। पीछे की लुक की बात करूँ तो गाइस पीछे का लुक कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और पीछे वाला इंडिकेटर की बात करूँ तो ये मिलती है आपको LED लाइट्स के साथ में। और पीछे वाली लाइट्स की बात करूँ बैक लाइट की बात करूँ तो ये मिलती है आपको LED लाइट्स के साथ में गाइस। और जो इसकी पीछे वाली लुक है वो टेल्ट ID वाला लुक है, काफ़ी अच्छा है गाइस। और नंबर प्लेट के नीचे ही आपको लाइट रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। फ्रंट डिस्चार्ज की बात करूँ तो ये जो डिस्चार्ज मिलता है आपको 300 mm का डिस्चार्ज मिल जाता है गाइस।
ये बाइक आती है ABS के साथ में। और सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज, और सस्पेंशन के ऊपर ही आपको लाइट रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा गाइज। सस्पेंशन की बात करूँ जो इसका सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले गाइज, और सामने ही आपको मरघराहट के ऊपर ही थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा फिनिशिंग वाला लुक मिल जाएगा गाइज, लेकिन ये एक्चुअली में कार्बन नहीं है गाइज जो आप देख पा रहे होंगे अभी। फ्रंट टायर साइज की बात करूँ तो गाइज इसके अंदर आपको 180-170 का टायर साइज मिल जाता है गाइज, और इसके अंदर आपको MRF का टायर मिल जाता है गाइज। और फ्रंट और बैक टायर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे वाले टायर साइज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 130-170 का टायर साइज मिल जाता है गाइज, और MRF का टायर मिल जाएगा। और इस पीछे वाले डिस्क की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 230mm का डिस्क साइज मिल जाता है गाइज देखने के लिए। और ये बाइक आती है डबल चैनल ABS के साथ में गाइज, और जो पीछे वाला टायर है काफ़ी वाइड है, 130 की साइज आपको पीछे वाले टायर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल करा सकते हैं गाइस। फीचर्स की बात करूँ और सीट्स की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको पावर कट एंड पावर स्टार्ट का स्विच मिल जाता है, बटन मिल जाता है गाइस। उसके नीचे आपको इंजन स्विच मिल जाता है गाइस। और लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड पे आपको लो लाइट एंड हाई बीम का बटन देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। उसके नीचे आपको इंडिकेटर्स का बटन मिल जाता है, और उसके नीचे हॉर्न्स का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। बटन की बात करूँ, स्विच की बात करूँ, स्विच के अंदर आपको जो LED लाइट्स मिलती है काफ़ी अच्छी है, और ये LED लाइट आती है ब्लू कलर के अंदर, और बाइक के अंदर आपको ब्लू लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगी KTM के अंदर गाइस। डिस्प्ले मीटर की बात करूँ तो डिस्प्ले मीटर कुछ ऐसा दिखता है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ABS की लाइट देखने के लिए मिल जाएगी गाइस, और साथ में ही आपको पास में ही यहाँ पे फ्यूल का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी बाइक में कितना क्या फ्यूल है गाइस, और यहाँ पे आपको टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी बाइक की जो स्पीड है वो बताएगा गाइस मीटर। और उसके नीचे ही आपको ट्रिप ए ट्रिप बी आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, और ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको RPM की लाइट मिलती है, आप बाइक को हाई स्पीड में राइड करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको RPM की लाइट है वो देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। अब बात करते हैं साइड इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाएगी। उसके नीचे बात करूँ, उसके नीचे आपको बैटरी की लाइट मिल जाएगी, जब आपकी बैटरी डेड हो जाएगी या डिस्चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा गाइस। उसके पास में आपको लो लाइट एंड हाई बीम का लाइट मिल जाता है, और उसके पास में आपको इंजन की लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, और बाइक का क्या टेम्परेचर है और बाइक कितनी क्या हीट हो रही है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ में ही आपको यहाँ पे बजाज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले मीटर की, तो ये कार्बन फाइबर जैसे फिनिशिंग में आता है गाइस, जो काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में आता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। फ्यूल टैंक की बात करूँ और फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो गाइस इस बाइक के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगा गाइस। और बाइक के वेट की बात करूँ तो इस बाइक का जो वेट है वो 166 kg आपको वेट मिल जाएगा गाइस। सीट हाइट की बात करूँ तो गाइस इस बाइक की सीट हाइट हो आपको मिलती है 1114mm की सीट हाइट मिल जाती है गाइस। इंजन की बात करूँ तो यह आता है 4-स्ट्रोक इंजन सिंगल सिलेंडर के साथ में गाइस। इसके अंदर आपको लिक्विड कूल सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। पावर की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको 24.5 BHP देखने के लिए मिल जाएगा। RPM की बात करूँ तो 9750 RPM देखने के लिए मिल जाएगा। और गियर बॉक्स की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, और यह आती है FI मोड के साथ में गाइस। और इसका जो इंजन है वो DTS इंजन आता है गाइस, जो बजाज का इंजन होता है DTS इंजन के साथ में आता है, और इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला गाइस, और इस बाइक के अंदर आपको एक अच्छी खासी पावर मिल जाती है गाइस। एग्जॉस्ट लुक की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको शॉर्ट एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, और एग्जॉस्ट का लुक कुछ ऐसा दिखता है गाइस, हैवी लुक जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये आता है बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक के साथ में गाइस। तो एक बार मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ गाइस। तो अभी बाइक गियर के अंदर है, तो पहले न्यूट्रल कर लेते हैं बाइक को। तो अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया गाइस, उसके बाद में जैसे ही बाइक स्टार्ट होगी गाइस तो इंजन का वॉइस है कुछ ऐसा आएगा गाइस जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे अभी, और एग्जॉस्ट की जो साउंड है कुछ ऐसी आती गाइस। साउंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये बाइक ऑन रोड प्राइस जयपुर के अंदर होने वाली है 1,83,000 रुपए की गाइस, BS6 एडिशन न्यू कलर के अंदर गाइस। A few moments later. तो भाई पावर की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर जो पावर मिलता है काफी अच्छा पावर मिल जाता है आपको,
एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा होने वाला है जिसका, जैसे कि अभी आपको एग्जॉस्ट की वॉइस आ रही होगी और पावर, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा पावर मिलेगा इस बाइक के अंदर आपको गाइस। ब्रेक की बात करूँ गाइस, इसके जो ब्रेक है ना काफ़ी अल्टीमेट होने वाले गाइस, कंट्रोल तो आपको इसको बहुत ही ईजी कर पाओगे। और सस्पेंशन की बात करूँ तो खड्डों के अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस, और पिकअप तो एक नंबर मिलने वाला गाइस, और एक्सीलेटर परफॉर्मेंस भी एक नंबर होने वाली गाइस इस बाइक की। और BS6 के इंजन की बात करूँ तो काफ़ी रिफाइंड इंजन मिलता है गाइस इसके अंदर आपको। और टॉप स्पीड की बात करूँ तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 160 प्लस होने वाली गाइस। चेक कर लेता हूँ मैं बाइक का, तो जो पावर के हिसाब से देखा जाए ना 200 सीसी के हिसाब से काफ़ी स्मूथ इंजन है गाइस इस बाइक का, और पावर तो एक नंबर मिलती है गाइस इसके अंदर आपको। और जब आप इसको स्पीड में राइड करोगे चाहे कैसे भी राइड करोगे ना गाइस, तो BS6 का जो इंजन है ना उसके अंदर आपको वाइब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, क्योंकि इसका जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी स्मूथ है गाइस। और सीट की बात करूँ तो जो सीट है ना इसकी गाइस, सीट के हिसाब से देखा जाए तो कंफर्टेबल सीट होने वाली गाइस। जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पेन का इशू ज़रूर होगा गाइस इस बाइक के अंदर, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स बाइक हो उसके अंदर आपको पेन का इशू ज़रूर होता है गाइस, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट है ना इतनी कम्फर्टेबल नहीं आती है गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो पता ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज़।